विद्यार्थियों, मैं आप सभी का अगले पाठ में यानी कि आज के पाठ में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यवहारिक पत्र और दूसरा है घरेलू पत्र। इसमें आज हम सिर्फ व्यवहारिक पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि व्यवहारिक पत्र ये किसी कार्यालय में किसी व्यक्ति को जो कि हमें मालूम नहीं है, हमारे रिश्ते में नहीं है, उसी को लिखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले व्यवहारिक पत्र का एक नमूना यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, व्यवहारिक पत्र में सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर राइट साइड द कॉर्नर यानी कि अपने दाहिने हाथ के कोने में हमें पत्र लिखने वाले का सबसे पहले नाम लिखना होता है। उसी के ठीक नीचे की लाइन में पत्र लिखने वाले का पता यानी कि पत्र कौन लिख रहा है उसका पहले नाम, उसके बाद उसका पता और वह पत्र किस दिनांक को लिखा जाने वाला है वह दिनांक। ये हो गया पत्र लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक। ठीक उसी के नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं हाथ के कॉर्नर में यानी कि आपके मार्जिन के ठीक नीचे, इस लाइन के ठीक नीचे यहाँ पर पत्र किसको लिखना है उसका नाम और वह व्यक्ति किस कार्यालय में, किस ऑफिस में वो काम करता है उस ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये होने के बाद एक लाइन छोड़ के ठीक नीचे की लाइन को फिर कॉर्नर में महोदय लिखकर एक कॉमा देकर उसको छोड़ना है। फिर उसके नीचे की लाइन में विषय, जो कुछ भी विषय है यानी कि आप किस विषय के बारे में उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उस विषय के बारे में यहाँ पर लिखना है संक्षिप्त रूप में, एक या दो लाइन में विषय समाप्त होना चाहिए। उसके बाद पत्र का जो नमूना है यानी कि उसका जो मैटर है, उसका जो विषय है, उसको विस्तार से हमें लिखना होता है। लिखते समय पत्र का प्रारंभ उपरोक्त विषय के अनुसार यानी कि यहाँ पर जो विषय लिखा गया है उसके अनुसार मैं यानी कि कौन यहाँ पर पत्र लिखने वाला, उसका नाम लिखकर आगे आपका जो विषय है उसका विवरण आपको देना पड़ता है। जो कोई भी विषय है, समझ लीजिए आपने किसी के ऊपर एक कंप्लेंट की है या किस आपने कुछ विषय आप वहाँ पर बताना चाहते हैं या कुछ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखना होता है। लिखने के बाद नीचे धन्यवाद, धन्यवाद लिखने के बाद भवदीय, भवदीय यानी कि ये इंग्लिश में उसको यूवर्स फेथफुली ऐसा कहा जाता है वो यहाँ पर, और उसके बाद फिर पत्र लिखने वाले का नाम। इस प्रकार से हमको व्यवहारिक पत्र लिखना होता है। ये हो गया नमूना। अब हम विषय के अनुसार एक पत्र का नमूना देखकर हमारे इस पत्र लेखन इस अध्याय को हम समाप्त कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक प्रश्न देखेंगे। मैं 10वीं कक्षा के लिए एक विद्यार्थी के बारे में जो कि 10वीं कक्षा में नॉर्मली पूछा जाता है उस आधार पर मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है। प्रश्न है, आपके बहन की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखिए। यहाँ पर पत्र लिखने वाले का नाम हमें मालूम नहीं है, इसीलिए पत्र लिखने वाले का नाम मैंने अ ब क लिया है। ये किस कक्षा में पढ़ता है ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने 10वीं कक्षा ली है। ये 9वीं कक्षा भी हो सकती है, 8वीं कक्षा भी हो सकती है। उसके बाद नीचे मैंने इसके स्कूल का नाम लिखा है, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, जो कोई भी है। और यह विद्यार्थी दिनांक, किस दिनांक को पत्र लिख रहा है, यहाँ पर 16/9/2020 को ये पत्र लिख रहा है। अब ये पत्र किसको लिख रहा है, यहाँ पर सेवा में यानी कि टू किसको पत्र लिख रहा है, ये यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कक्षा अध्यापक को पत्र लिखना है। कक्षा अध्यापक कौन सी कक्षा, क्योंकि ये छात्र 10वीं कक्षा में है इसीलिए 10वीं कक्षा। नीचे फिर महोदय, विषय क्या है हमारा, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी मांगने हैं, तो ऐसा विषय यहीं पर समाप्त हो गया। फिर इसका विवरण जैसे कि हमने मॉडल में देखा था, उपरोक्त विषय के अनुसार मैं अबक यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है, विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे घर में दिनांक 19/9/2020 को मेरे बहन की शादी तय की गई है, उस शादी में मुझे भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं 17/9/2020 से 19/9/2020 तक पाठशाला नहीं आ सकता, कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी 3 दिन की छुट्टी आप मंजूर करें। यानी कि इसमें आप कौन हैं ये भी बताना है, आपके घर में क्या कार्यक्रम है ये भी बताना है, उसमें आपका क्या काम है और आप कितने दिन स्कूल को नहीं आ रहे, ये सारी बातें बोलने के बाद
आप अनुरोध करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं देना है। और इस सारे विषय के बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र का नाम है अ ब क, यहाँ पर आपका पत्र समाप्त होता है। यह है एक व्यवहारिक पत्र जो कि एक छात्र ने अपने कक्षा अध्यापक को लिखा है। इसी के तरह अगले अध्याय में हम घरेलू पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।